लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं स्मगलर नहीं हूँ साहब, मेरे को माफ कर दो साहब। स्मगलर नहीं हो तो ये गाड़ी तुम्हारा बाप चला रहा था। मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, छोटा सा ड्राइवर हूँ साहब, मेरे को माफ कर दो, मेरे को घर जाने दो साहब। अब तो घर तुम्हारा हवाला ही बनेगा, चलो। नहीं साहब, मेरा माँ बहुत बीमार है साहब, उसको अस्पताल लेके जाना है, उसके खर्चे के लिए ये सब काम आपने अपना सर पे लिया साहब। ऐसे बहाने बहुत सुन चुका हूँ। नहीं साहब, आपने अपना माँ का कसम खाता है, आपन गॉड का कसम खाता है साहब, पुलिस स्टेशन जाने से पहले एक बार मेरे को मेरा माँ से मिलने दो, नहीं तो तड़प तड़प के मर जाएगा साहब। कहाँ है तुम्हारी माँ? बस्ती में रहता है साहब, मेरा इंतजार कर रहा होगा साहब। रॉबर्ट, रॉबर्ट सिस्टर। ये मेरी माँ है इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम नहीं कि आप माँ का मतलब जानते हैं या नहीं। मेरी माँ मर गई इंस्पेक्टर साहब, जानते हैं? जाते हुए उसने रॉबर्ट पुकारा। तुम्हारा रॉबर्ट बहुत गरीब है माँ, बहुत गरीब। किसी अमीर आदमी का स्मगलिंग का सामान अपने कंधों पे उठाकर तुम्हारे लिए पैसा कमाना चाहता था, लेकिन इस समाज या कानून का दस्तूर है कि अमीर को इज्जत मिलती है तो गरीब को जिल्लत, अमीर पैसा बनाता है तो गरीब सजा भुगतता है। रॉबर्ट की मां मरती है तो बग्गा सेठ अय्याशी मनाता है। बग्गा सेठ? जी हां इंस्पेक्टर साहब, दौलत कमाने वाले और दौलत कमाने के लिए सब गंदे काम हमें सौंप देते हैं और खुद
बग्गा सेठ जिसका ट्रक मैं चला रहा था इस वक्त अपने जू के शैक में रंगरलिया मना रहा है जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मेरी माँ जिसके लिए मैं कफन नहीं खरीद सकता इंस्पेक्टर साहब मैं कफन नहीं खरीद सकता माँ सोनिया मेरी जवान ये नोट ये हीरे जवाहरात ये दौलत ये सब तुम्हारी तो है मेरी जान जो आपकी जान हो तुम यहां पक्का सेठ तुम यहां हंस रहे हो और वहां रॉबर्ट रो रहा है कानून को तुम सिर्फ एक बार धोखा दे सकते हो लेकिन गौतम तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हें रहना चाहिए आखिर तुम जीत ही गए इंस्पेक्टर गौतम लेकिन छोटे मायनों में एक बात का ख्याल रखना अगर तुम्हारे घर में कोई पर्सनल प्राइवेट डायरी हो तो उसमें मेरा असली नाम लिख लेना राजा भगेंद्र सिंह तुम्हारे इस क्रोध का कारण मुजरिमों से नफरत जानता हूं लेकिन पुलिस वालों का काम मुजरिमों से नफरत नहीं उन्हें समझना है उनसे झगड़ना नहीं उनके झगड़े निपटाना है उन्हें सुधारना है अगर वो सुधरने वाले होते तो मुजरिम ही क्यों बनते हैं कुछ लोग मुजरिम बनते नहीं बनाए जाते हैं कई बार 10 दिन की भूख से सताए हुआ आदमी रोटी के लिए चोरी भी कर सकता है मैं उन मुजरिमों की बात कर रहा हूं सर जो लखपति से करोड़पति बनने की लालच में कितने मासूम गरीब इंसानों को पाप की आग में झुलस देते हैं उनके लिए कानून है कौन सा कानून वो कानून जो बग्गा जैसे स्मगलर गौतम मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया था कि सरकार तुम्हें ऐसे गांव में भेज रही है जहां के कानून तुम खुद बनाओगे उनके भले बुरे की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी सर हाँ गरीबी से लिपटा हुआ यह गांव धर्मपुर जहां ना धर्म है ना ईमान न रेल है ना बिजली न स्कूल है ना पुलिस स्टेशन जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक सिवाय खून खराबे के और कुछ नहीं जानता उन्हें जरूरत है एक स्ट्रांग पुलिस ऑफिसर की गौतम तुम्हारे मन के सवालों का जवाब यह गांव तुम्हें देगा हमारे देश में क्यों इतने गुनाह पैदा होते हैं ये तुम्हें उस गांव में जाकर देखना होगा और इसका हल क्या है ये भी तुम्हें ही सोचना होगा दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू माय फ्रेंड ऑल द बेस्ट बीते हुए कल और आने वाले कल में बहुत फर्क होता है माय सन जो लोग पिछली बातों से घिरे रहते हैं वो सदा ही दुखों से घिरे रहते हैं यह चैलेंज कमिश्नर वर्मा ने तुम्हें नहीं दिया मुझे दिया है और मैं जानता हूं वो गांव जो एक नरक है उसे मेरा बेटा गौतम स्वर्ग बनाएगा My son, promise me, मुझसे वादा करो कि तुम वहां जाकर मुजरिमों से नफरत नहीं करोगे Father, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं नफरत नहीं करूंगा प्रॉमिस अपना क्रोध नहीं दिखाओगे प्रॉमिस हर काम सोच समझ के करोगे प्रॉमिस किसी से फाइट नहीं करोगे प्रॉमिस नहीं इसका प्रॉमिस नहीं फिर वही बात अगर ना प्रॉमिस करूं तो देखो गौतम हाँ मैं तुम्हें मारूंगा आप भी तो फाइट कर रहे हैं
अगर कोई नादान बालक गलती करने से ना हटे तो कभी कभी उसके भलाई के लिए उसे मारना भी पड़ता है। ये तो गीता में भी लिखा है कि कर्म। कभी कभी लगता है मैं तुम्हारा फादर नहीं हूं, तुम मेरे फादर हो। नहीं फादर, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि आप जिस काबिल मुझे देखना चाहते हैं मैं उसी काबिल बनकर दिखाऊंगा। गॉड ब्लेस यू माई सन। आज मैं पहली बार अपनी आंखों से तुम्हें बहुत दूर भेज रहा हूं, लेकिन तुम जहां भी जाओगे, जहां भी रहोगे, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ रहेंगे। कैसा है रामू? अच्छा हो, ये लो आज की डाक। लाओ। सुनो सुनो। गोपाला, डाकिया, धर्मपुर। क्या तुम धर्मपुर का रास्ता बता सकते हो मुझे? देखिए भाई साहब, आप कोई नेक आदमी लगते हैं, क्यों मौत से खेलना चाहते हैं? मेरी बात मानिए, दो घंटे बाद यही बस वापस आएगी और आप उसी में चले जाइए। मैंने आपसे धर्मपुर का रास्ता पूछा है। जरा धीरे बोलिए भाई साहब। अरे ओ गोलुआ, अरे इधर आ। यहाँ से धर्मपुर के यातायात का साधन यही है। सामान इस पे रख दीजिए और पीछे पीछे चले जाइए, 25 पैसे लेगा। मैं चलता हूँ। लाइए बाबूजी, बक्सा हमको दे दो। 15 कोस का लंबा रास्ता है पथरीला, चल लोगे? चल लूंगा। दम है? बहुत बदमाश लोग हैं धर्मपुर के, लड़ लोगे? लड़ लूंगा। बंदूक से या तलवार से? प्यार से। सुनो, आदमी तुम अच्छे लगते हो, बैठ जाओ। अरे भाई देखते क्या हो, बैठ जाओ। हाँ, इस गांव में सिर्फ दो ही अच्छे प्राणी हैं, एक मैं, दूसरी गंगा माँ। बातें अच्छी बना लेते हो तुम। कहा भी अच्छा लेता हूँ मैं। तो सुनाओगा ना? पहले एक शर्त समझ लो। तुम्हारा हमारा साथ सिर्फ गाँव के बाहर तक का है। बात यह है, तुम्हें तो सरकार ने भेजा है बकरा समझकर, और मुझे कुछ दिन और जीना है। हाँ, तो कौन सा गाना सुना रहे थे तुम? गंगा माँ का। कितना मीठा गाती है वो कड़वे लोगों के बीच। फिक्र तो आए फिक्र तो जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। कौन जतन करूं कौन उपाय, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। बरस बरस दुख बढ़ता जाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। Thank you.
प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। अरे प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। माँ की ममता निर्भाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। सीखा नफरत करना सीख लिया, सब लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया। अरे प्यार न सीखा नफरत करना सीख लिया, सब लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया। इनको जीना कौन सिखाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब, बदले नसीब। अगर इन लोगों से बच जाओ तो मेरे घर आ जाना। सरकारी भाई, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, गुड लक। रेखा को कोई चंडाल भी पार नहीं कर सकता, क्यों सुकू दादा। खुश रहो बिंदास, इस ससुरे में हिम्मत है तो खुद ही निकल के दिखाए। अबे ओ अकल के अंडो, जरा अक्कल से काम लिया करो। बकरे को काटने से पहले जरा खिला पिला के मोटा तो कर लो। बेचारा थक्कर शहर से आए हैं, दो घड़ी पूरी चौकी की हवा तो खा लेने दो। संध्या जी, आज तक इस गांव में कभी पुलिस चौकी बनी है जो आज बनेगी? अबे ओ तिगड़ी के पहलवान, संधू ने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। अच्छा तो ये रामराज है, यहाँ पुलिस कानून की इन बेचारों को कोई जरूरत नहीं, फिर भी तू हो आ जा। तुम अपनी चक 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 जुबान बंद करो, चलो फूटो। क्या कहा, फूट यहाँ से। अरे ओए, छह छक्कों ने मिलकर टोली क्या बना ली, अपने आपको 36 समझने लगे। मैं कहती हूँ छोड़ रास्ते इसका, छोड़। अरे ओ बड़े घर की लौंडिया, अपना रास्ता देख, यहाँ पे तेरी नहीं चलेगी। ओए मुच्छर, तूने संधो को गाली दी, तेरी तो नंदो। चल इन छह छक्कों को अपनी छट्टी का दूध तो याद दिला दे, चल चल। जा
वो रही तेरी पुलिस चौकी। मैं हवलदार बनूंगा, मैं हवलदार बनूंगा, मैं हवलदार बनूंगा। हवलदार? हाँ हवलदार बनूंगा माँ, मैं हवलदार बनूंगा। ए हवलदार। अरे क्या है, मैं हवलदार नहीं हूँ, सिर्फ सपने में था। क्या रिपोर्ट लिखवाना है? जाओ अपने घर जाओ, अपने आप रिपोर्ट लिखो, अपने आप कानून बनाओ और अपने आप फैसला करो। जाओ लड़ो झगड़ो मरो, मेरे को मत। हवलदार मैं इंस्पेक्टर गौतम नाम है मेरा। छियो दरोगा बाबू। बस इससे ज्यादा रोशनी नहीं हो सकती। हाँ तो फिर क्या हुआ? वही जो होना था, दो बार इन दरिंदों ने पुलिस इंस्पेक्टर को मार भगाया और तीसरे को जान से मार डाला। अब एक साल से यहाँ कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। बस अब तो ये नाम की चौकी है, दो तीन हवलदार हैं जो चौकी पे कम और दारू के अड्डे पे ज्यादा रहते हैं। ये चांदी का सिक्का, पढ़ो इसे। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। 6 महीने पहले हमारे गांव में एक साधु महाराज आए थे, उन्होंने मुझे इस सिक्का दिया था। दूसरे दिन इन गुंडों ने उन्हें जान से मार डाला। तब से मुझे विश्वास हो गया है कि इस गांव में सत्य का आना सिर्फ एक सपना रह गया है। सरकारी भाई, अब तो मुझे तुम्हारी चिंता खाए जा रही है। गोपाला, यहां आते ही तुम जैसा दोस्त मिल जाना क्या मेरी जीत की निशानी नहीं? नहीं 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 सरकारी भाई, मैं तुम्हें दोस्त नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मुझे दोस्त के खो जाने का बहुत डर लगता है। तुम निराशावादी बन चुके हो। याद रखो गोपाला, जीत एक दिन मेरी होगी और तब ये सिक्का मैं तुमसे लेने आऊंगा। नया जोश है, ये सिक्का तुम कभी नहीं जीत सकते सरकारी भाई, ये मेरे पास रहेगा, मेरे पास। रही शर्त? रही शर्त? भगवान करे तुम जीत जाओ सरकारी भाई। ये लोग इतनी रात कहां जा रहे हैं? इस गांव में एक रावण भी है, राजा साहब, जिसके इशारे पे सब लोग चलते हैं। राजा का बूढ़ा बाप आखिरी सांसें ले रहा है, तो इन सबको हुक्म हुआ है कि महल में जाकर बूढ़े की सलामती की दुआ मांगे। यानी कि गुलामी इस कदर बढ़ चुकी है कि ना चाहते हुए भी लोग दुआ मांगने जा रहे हैं। राजा साहब नहीं आए? शांति शांति। भगवान, भगवान का नाम लेकर हमारा अपमान मत करो बड़े बाबा। बेटा धुरेंद्र, ये सब अपने कर्मों का फल है कि आज हम अपने शरीर को आसानी से त्याग भी नहीं सकते। राजा साहब, कुंडली के अनुसार बड़े राजा के सांसों की चंद घड़ियां अभी बाकी हैं, ये कष्ट इन्हें सहना ही पड़ेगा। महाराज की जय हो। बड़े बाबा, हमने आपसे वादा किया था ना कि आपका इस दुनिया से प्रस्थान बड़ी धूमधाम और तोपों की सलामी से होगा। आज आपको अपने प्राणों से छुटकारा मिल गया। हाँ पंडित जी। राजा साहब, बड़े राजा साहब के शोक दिवस में कल पूरे गांव में कारोबार, काम काज, दुकानें
हर चीज बंद रहेगी। ये हमारा हुक्म है। ए पुड़िया, क्या तुझे मालूम नहीं कि आज काम वाम दुकान उकान सब बंद रखने का हुक्म है? मेहरबानी करो बेटा, इस बेल बेच के मेरे कुछ बच्चों का गुजारा करूंगी। तराना, इस बुढ़िया को राजा साहब का हुक्म समझा दो। अरे मेरे बच्चे ये बहुत बेच गया तो मेरे बच्चों का पेट भरती थी। इंस्पेक्टर गौतम नाम है मेरा। छह पटाखे छोड़कर गांव वालों को डरा रहा। अच्छा हुआ डर गया, तभी तो बच गया। वो तो बच गया और तू मर गया। अगर याद ना रहे तो फिर से सुन लो। इंस्पेक्टर गौतम नाम है मेरा। राजा के चमचों को जरा सुंदर बना के तो भेजे। लल्लू इधर भी तो देख, ये है जियो दरवा बाबू। अरे इस गांव में कोई माई का लाल तो पैदा हुआ। अपने राजा साहब से कहना कि उसका बाप इंस्पेक्टर गौतम इस गांव में अब आ गया है। शांत भवा। कितना वजन था रे उस इंस्पेक्टर का? माँ पंडित जी। महाराज, रंगा की बुजदिली की सजा 3 दिन तक इसका चेहरा इसी रंग में रहने दिया जाए। ऐसा ही होगा, समझे? और उस इंस्पेक्टर की बहादुरी का इनाम? उसे अपना मेहमान बनाया जाए ताकि वो राजा धुरंधर सिंह की आन बान और शान की एक झलक देख सके, अर्थात एक महफिल बुलाई जाए। और उस महफिल में हिंदुस्तान की मशहूर सुंदरी चंद्रमुखी का मुकाबला हमारे संगीत से कराया जाए।
कसम, तो चाहे कत्ले आम कर सर झुकाना जरूर था, सलाम कर सर झुकाना जरूर था। मगरूर बेखबर है तू, उससे गुस्ताख इस कदर है तू, तू है मगरूर बेखबर है तू, उससे गुस्ताख इस कदर है तू, बात करती है आसमानों से और बैठी जमीन पर है तू, तू है मगरूर बेखबर है तू, उस पे गुस्ताख इस कदर है तू। अजीब जान है अगर तो सामने से तू गुजर, अपने दिल को नाम दे, मिलता है शबाब का कुछ तो है तराम दे, फिक्र अपनी छोड़ मेरा फिक्र सुबह शाम कर सर झुकाने दो था, बेअदब सलाम है सर झुकाने दो था। अति सुंदर, यह खेल तो आपका बनाया हुआ था राजा साहब, लेकिन एक खेल और है जो कि हमारे भारत सरकार ने बनाया है, जिसमें मुझे भेजा गया है आपके लिए। ज्ञान है, लेकिन आज आप हमारे मेहमान हैं, फल खाइए, आपकी सेहत के लिए अति आवश्यक। पंडित दुर्गन, इंस्पेक्टर साहब को बता दिया जाए कि हमें संगीत, नाटक और शिकार का कितना शौक है। यह है हमारा विशेष कमरा, राजा धुरंधर सिंह के किए हुए सभी शिकार और उनकी यादें इसी कमरे में बंद कर दी जाती हैं। सुना है आप इंसानों का भी शिकार करते हैं? कभी कभी, जब इंसान हमें काटने की कोशिश करे तो। वैसे हम आपको एक शरीफ आदमी का नमूना पेश करते हैं। ए संतो, वो आ रहा है, दरोगा आ गया। ये ले, आठ आठ आने, नाटक समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए, इज्जत तुम्हारी और हमला हमारा। ए, लेकिन जोर से नहीं, समझे क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी इज्जत तो लूटी नहीं, लूटने का नाटक तो कर सकते हैं। चलो हो जाए, शुरू हो जाए। एक दो तीन चार। बचाओ मुझे, अरे क्या करते हो, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। अरे चो
क्या कर रहे हैं बेचारे? प्यारी तो कर रहे हैं। चलो नहीं सर, चलो। कुछ जानती है अभी तक पकड़ा ना, संध्या से कभी धोखा नहीं करना, चमड़ी उधर के रख दूंगी। साले मोटे गंजे। ये दरोगा का बच्चे कहाँ गया? आप चाहती क्या हैं? देखिए, आप किसी अच्छे घर के अच्छे लड़के लगते हैं। कोई भी बात, कोई भी हरकत सोच समझकर पढ़ कर किया कीजिए। मैं समझा नहीं। आप यहाँ दरोगा बनकर आए हैं ना, दरोगा बनकर ही रहिए, सरकार बनने की कोशिश मत कीजिए। कुछ मालूम तो है नहीं, वो जो राजा है ना, राजा एक जहरीला सांप है। मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये तो भगवान का शुक्र है कि आप अपनी कोई माँ बहन और भाई को इस गांव में लेकर नहीं आए, वरना वो उनकी जिंदगी अपने कब्जे में करके आपका जीना मुश्किल कर देता। वैसे तो मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी अच्छे घर के अच्छे लड़के लड़के। आपकी हमदर्दी और सलाह का शुक्रिया। वैसे मेरी जिंदगी में माँ बहन भाई बीवी कोई नहीं, अकेला जी? जी। मैं भी अकेली हूँ जी। जी हाँ। बड़े बाबा के मरने के बाद आज भाई साहब ने भगेंद्र सिंह को याद तो किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब ने पूछा है कि क्या इंस्पेक्टर गौतम मरफुरदार, मेरे ये हालात और ये हवालात देखकर अब भी नहीं समझे कि इंस्पेक्टर गौतम कितनी चतुर चीज है? आपके भाई भगेंद्र सिंह का कहना है कि इंस्पेक्टर गौतम के रिकॉर्ड और कुंडली के अनुसार उसका कत्ल राजा साहब के किसी आदमी के द्वारा उचित न होगा, क्योंकि पिछले कत्ल का शक शहर की पुलिस को अब तक है। और इसका इलाज? इस सांप को एक ही नेवले से मरवाया जा सकता है। मतलब? गांव के गुंडों का सरदार और आपका बरसों का गुलाम गोविंदा। गोविंदा लगाया ना कुछ बुझाया, पूरा का पूरा माल अंदर आया। तुमने तो कमाल कर दिया गोविंदा बेटा, एक से एक बढ़कर बैल है। माधोपुर से चुराए के लाया हूँ लाला, कल सांझ तक कोनो दूसर गांव में पहुंचाए दे इनका, नहीं तो माधोपुर वाले तो के छोड़ेंगे नहीं। वो लगाई बुझाई मैं सब कर लूंगा। ए, कितना थका हुआ नजर आता है, अब तू जा। अब फिर गंगा माँ रात भर से तेरा इंतजार कर रही होगी। लाला चोरी करे माँ भी बहुत मेहनत लागत है, हिसाब किताब का बात करो, पूरे 56 बैल है ही बार हमार मजूरी। वो तो है, तेरे हिस्से का पूरा हिसाब मैंने खाते में लिख दिया बेटा, 5 रुपए एक बैल के, 56 बैल के हिसाब से 280 रुपए। हाँ देख, लिख दिया ना खाते में, पढ़ ले खुद। लाला इस रो खाता मा तू हमार का जिंदगी लिख दिया हो। जरा शांति से बात कर बेटा, तुझे तो बात बात पर गुस्सा चढ़ जाता है। देख तेरी माँ ने जितना भी कर्जा मुझसे लिया
उस पर जितना भी प्यार चढ़ा वो सब तुम्हें उतारना ना बेटे। बस इसी तरह बैल मुझे ला कर देता रहे, साल दो साल में कर्जा उतर जाएगा, समझे। और हमार माँ का गिरवी रखा हुआ हार? वो हार तो राजा साहब के पास है, मेरे पास नहीं। नहीं तो वो तो मैं तो कम से कम तुम्हें दे ही देता। वो हार तो बेचारी गंगा माँ के सुहाग की निशानी है ना। ओए लाला, गंगा माँ बेचारी हो सकता है, लेकिन ओका बिटवा गोविंदा नहीं। हमका देख, बहुत खतरनाक आदमी, जरा भी कभी कोनो कोई बेईमानी कियो, कोई हराम जदकी कियो ना, तो मुंडी शरीर से तोड़ के अलग कर दियो। क्यों मजाक करते हो? गुलाबो की कसम, इसमें कोई लगाई बुझाई नहीं है। तू तो अपना बच्चा है, गुलाबो से पूछ, मैं तेरी कितनी तारीफ करता हूँ। और गुलाबो भी यही कहती है कि तू बहुत अच्छा लड़का है, किसी से लड़ाई नहीं करता, किसी से झगड़ा नहीं करता, सबका चला गया। गंगा का बेटा। अरे गोविंदा। कौन गुलाबो? अरे माधोपुर से मेरे लिए चूड़ियां लाया क्या? हाँ लावा, ई रहा तार चूड़ी और ई तार पैसा। अरे मेरे लिए लाया है तो अपने हाथों से पहना देना। अरे हट बेसरम, तू तो नहा था रे। अरे ना रही हूँ तो क्या हुआ, तू तो आ सकत है, आ ना। अरे आ ना। अरे मुझो सी, तो के कोई ला शरम हया हो कि नहीं हो? इस अदा पे तो मरती है गुलाबो, आना। अरे आना, कोई नहीं देखता है। अरे घबराता क्यों है, आ तो, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे गोविंदा, लोग कहते हैं कि मैं बावली हो गई हूँ, कहते हैं कि लाला के भांजी होके गोविंदा भी मरती है, और गोविंदा तो तुझे पलट के भी नहीं देखता। कितना दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है, मेरा तो दिल करता है मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊं। हरामजादी कमीनी, गोविंदा के जानत नहीं का? जानत हूँ, पांच बरस किसी तब से जानत हूँ। ले, इसलिए तो कहती हूँ चूड़ियाँ पहना दे। अरे ओ चुड़ैल, गोविंदा औरत की चूड़ी ला सकत है, पहना नहीं सकत है, समझी? अबे ओ, चूड़ियाँ बाद में पहनाना, पहले अपने माँ के लिए सोच, रास्ते तेरे इंतजार कर रही है, जा। सूखे पर्वत आंखें तरस गई, बादल तो न बरसे आंखें बरस गई, बरस बरस दुख बढ़ता जाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। आ गयो कल मुहे, अब अपना काला मुँह काहे छुपावत है? ए मां, माफी दे दो ना, आज तनिक गलती हो गवा। हाँ हो, अब यही हमारे भाग में लिखल है, 20 बरस पत्थर कूट कूट के बेटा बड़ा कर ले, और हमारे बेटा चोर उचक्का के संगत में घूमे। हाँ ई बात तो जरूर उस ससुरी संधो बतौले हुए। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार आग और लग जाए और हम हो तो और बाप जैसे जलकर खाक हो जाए। ए माँ, ऐसा ना सुब बात मुंह से कहा के निकाला था। अरे माफी मांग लिया तो माफी मांग लिया। रात भर तनिक आंख न लगी, अरे लड़ाई झगड़ा गुंडा गर्दी ऐसा नहीं पूरा करा था अपन माई का सपना, इसे तो अच्छा कि तुम मर जा। हाँ हाँ तो ठीक है, हम मर जाते हैं। हे नाग देवता, बहुत अच्छे समय पर आई गये, हमार माँ हमसे बहुत दुखी है, तू हमका डस ले, हमका डस ले, हमार माँ का इच्छा पूरी करो नाग देवता। अरे बाप रे साहब, अरे फेंक दे ओके। नहीं नहीं, अब तो हम नहीं मानब, हमार माई कैलस कि तू मर जो, तब हम मरिए जाए, जरूर मर जाए। अरे बेटवा, हम तो ऐसा नहीं गुस्सा करत रहे, फेंक दे ओके। तो पहले तू कसम खा के बोल,
कि आप गुस्सा नहीं कर बे नहीं कर बे नहीं कर बे तू हार कर सब फेंक दे बिटुआ। नाग देवता तब तो तू हमार माई के अपना असली रूप दिखाई दो। जाओ नाग देवता आई ले 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 उठा उठा माटी मिले अपन माँ से हंसी कर तू कसम खा ले रहा हो कि गुस्सा नहीं कर बे। अच्छा हम गुस्सा नहीं करत पर मन में जरूर नाराज। हाँ बेफजूल का बात नहीं करो। भगवान हमसे नाराज हो सकते हैं लेकिन हमार मैया का दिल हमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। अच्छा, बात बात नहीं बनावा तुम ए मां हां ई देख अपन हाथ देख 20 बरिस तक अमीर लोगन का फरस साफ कर करके पत्थर का कारखाना में पत्थर कूट कूट कर हमार माँ का हाथ भी बिल्कुल पत्थर का होगा का हम जानत नहीं। हम सब देखा कि तू बहुत दुख उठाया माँ तुम बहुत दुख उठाया है बेटा। ये बेटा जवान होगा का बवा ये गिरवी रखल घर ये गरीबी ये दुख ये तकलीफ और नहीं देख सकत हमसे और नहीं देखा जाए। अरे बेटवा सब ठीक हो जाए सब ठीक हो जाए पर तू जो ना रास्ता पर चलत है ना वो गलत है। पूरी दुनिया ही गलत है पूरी दुनिया गलत है। यहाँ ठीक होगा कोनो जरूरत नहीं कोनो जरूरत नहीं। ए बबुआ तू रोवत है रोते नहीं बबुआ रोते नहीं हमार कसम तू हाथ मुँह धोले हम खाना लगावत है। का बात हो पासा साहब। राजा साहब ने तुझे तुरंत बुलवाया है। हम आते हैं आप जाओ जल्दी आप जाओ साहब। एक बात कही बेटा जब हम तोहरा के राजा साहब की गुलामी करत देखे थे तो हमारे प्राण सूख जाते हैं तू ओका नौकरी छोड़ दे बचुआ। एक बात हम भी कही माँ पहले हम रही माँ का बेटा अब तू हो गई हो बिटुआ का माँ का बिटुआ का माँ तब हम जौन कहब वही तो के करे पड़ी। राजा साहब की नौकरी माँ बर्बाद हुई किया बात ई तोहरा से ज्यादा जाना थे। गोविंदा समझ गए ना हम क्या चाहते हैं। जी सरकार पासा बाबू ने हमका सब कुछ बता दिया लेकिन एक बात हमार समझ में नहीं आई सरकार आप इतना बड़ा राजा शक्तिशाली महान और ऊ साला दुई कौड़ी का एक बाहर वाला मच्छर उनका भगाने वास्ते हम सरकार। गोविंदा राजा लोग मच्छरों का शिकार नहीं किया करते। बात पकड़ में आई गई हुजूर ये काम तो गोविंदा ही करेगा राजा का हुक्म गोविंदा का फर्ज है सरकार। बाकी हमार मन में एक बहुत बड़ा कष्ट है साहब बहुत बड़ा कष्ट है। का कष्ट है। कुछ नहीं सरकार हमका कुछ नहीं कष्ट है वो हमार माई हो ना उका एक ही सपना हो कि ओका खेत होके वापस मिल जाए। आप ओका खेत होके वापस लौटाए तो सरकार हम गोविंदा नौकर लोग पहले दिया हुआ काम करते हैं बाद में कुछ मांग करते हैं। समझ गए ना। समझ गया सरकार चल सफेदा। यही है वो दरोगा बाबू। अरे ये तो बहुत छोटा छोकरा बबुआ लागत है। अब तो इस साले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे ठहर रहे सुखुआ ठहर ये मच्छर वास्ते तो गोविंदा अकेला ही काफी हो नहीं तो हम गांव वालों को बहुत बुजदिल समझेगा। संधो अरे दरोगा बाबू का नमस्कार करो रे नमस्कार। अरे ये गांव वालन ये धर्मपुर वालन स्वरूप बहुत बदमाश है दरोगा बाबू
पहले आदमी को नमस्कार करत है, फिर ओका संस्कार करत है। हजूर, हमारे एक बिनती है, जो ना अपना जान का खैरियत चाहिए तो ये गांव से बदली करवाए लो, इस्तीफा दे। और अगर हम गांव छोड़ के नहीं गए तो फिर कोना मुश्किल नहीं है, मार मार के भगवाई दे। हमार नाम है गोविंदा और हम ही धर्मपुर के ई गांव वालन के एक नंबर के दादा है। कह रे दादा! एक नंबर के हरामी है। कह रे अरे चुप सरो, तार बाप हरामी। अरे ई लोगन का मतबल है कि हम बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत जालिम आदमी है, एक नंबर का रंगदार है साहब। ऐसे बहुत से दादाओं को ठीक किया है इस गौतम ने। अरे अगर नाम है गौतम, बोल गौतम गौतम। गोविंदा जी, मैं ना गौ हूं ना तम, मैं हूं इंस्पेक्टर गौतम। साफ करो, ये सब जानवर है जानवर, इन्हें माफ करो। ले दस दस पैसा, अब तुम लोग जा। अरे हरामी के औलाद, अरे हमरे रसरी से बांध दो और अगरा बाद हमरा मैया से दस दस पैसा मजूरी लेता हो। अरे सरू बाहर मिल जाइयो तो मार मार के। जब करम जले देर सर भी चढ़ गए। हाँ, जहां देखो वहां दंगा फसाद मार पिटैया। अब देखी कौन माई का लाल बचावे आई तुम का? ए माई, हमका खोल दे, हमका गुस्सा चढ़ जाए तब। नहीं नहीं, अब ये रस्सी कल सवेरे खुल ली। हमार लाड प्यार तो है ऐसा खराब कर दईस कि तू पुलिस वाले से झगड़ा कर ला। अरे वो काका जब चाहे जेल में बंद कर दे, तब छुड़ाने पहुंच जाए तो हर बाप रोज रोज लड़ाई झगड़ा करके चोट चपेट खाई के आवत है, और तोहर माई रोज हल्दी पीस कर लगावत है। और कोनो काम तो तोहर माई को होए नहीं। अरे हट, हटाई लो अपना हाथ, नहीं चाहिए दबा हुआ। ऐसा जाली मातम कहीं नहीं देखा, सवेरे से भूखा बैठा है, अनाज के तनिको दाना भी नहीं गवा पेट में, और ऊपर से डॉक्टर आइन बनी। अरे राहे दे बिटवा, ये नौटंकी हम ढेर दिखले हैं। तू तो अभी माँ का बिटवा है, हम तोहार नस नस जानत है बेटा। भूख लगल है, पीली ज्वारी की रोटी ली खा ले। ए माए, खोल देना। नहीं ए मैया, बहुत तकलीफ होता, दे दुखाते खोल। रस्सी नहीं खुली। नहीं खुली,
नहीं खुली, नहीं खुली, नहीं खुली तो जा, कदम फूट जावे हमारा। जात है, जब भुक्कन मरे लगवे तब पुकार ली है, आज तो हम हो जीत धर लाए हैं। अब भाई माँ के लाड प्यार देख ले हैं, गुस्सा नहीं। अरे आज वो ना होई कि तू ना खाइबे तो हम हो ना खाइबे। तनिक सोचो, दिन भर काम करके मेहनत मजदूरी कर करके थक के चूर हो जाते, हम काहे को ना खाई, तू खा या ना खा। हाँ ए मुझों से ए टुकुर टुकुर का ताकत है रे, यहाँ कोई रामलीला होत है? नहीं रे, किसन लीला? अरे ओ लीलावती की बिटिया भाग। अरे इस ससुरी गुलाबो भाग कर जाएगी भी कहाँ, इस ससुरे गोविंदा की चौखट तक ना। ए गुलाबो, ये हार किसका हो? तुहार हो? अपना ही है रे, तेरी तरह चुरा के नहीं लाई हूँ चोटे, मामा की तिजोरी से निकाल के लाई हूँ। अरे ए गोविंदा मैया, गोविंदा कुछ खा ले रे बेटा, तू तो हमरा के बड़ा दुख दे थे, हम तो परेशान होएगा, इतना बड़ा होएगा गोसाई जाने माथा में कब अकल आए, तुहार बाबू भी ऐसा ही जिद्दी रहे। हमका तो बड़ा डर लागत हो किसना बेटा, कहीं राजा को ही बात का पता लग जाए कि हम रातों रात सारा अनाज मंडी में पहुंचा दिए हैं, तो बड़ा गजब हो जाए। अरे काका, भगवान जाने हम किसानन का डर दिल से कब जाए, जमीन हमार, खेती हमार, मेहनत हमार, उनका फल राजा ले जाए, हमका ये भी पता नहीं कि हमारा अनाज मंडी में का भाव बिकत है, हमरे पसीना की का कीमत है, का कीमत है हमरे पसीना की। ये तो सच कहत हो किसना बेटा, आज तो हम मंडी का भाव सुन के दंग रह गई। अरे अभी तो और दंग रह जाओगे, जब कुल गांव का अनाज बेचे 70 किसान और आए हैं। तुम्हारा मतलब है राजा से विद्रोह करेंगे? अरे ही विद्रोह नहीं काका, ये तो किसान जाग उठे हैं। अरे ये तो कृष्णा और उसकी बीवी गंगा के इरादों का फल है, वरना राजा तेरे को गन्ने की फाग बनाकर फेंक देता। हाय दया, हम तो डराई गए। अरे शेरनी जैसी जुरुआ, तेर का पंजा नहीं पहचानत? जानत नहीं तो का। बाबा बाबा, माँ ने मेरे वास्ते बस्ता लाई। अरे बस्ता लाई, हमार गौतम अब स्कूल पढ़े जाई। और नहीं तो का, तुहार तो जैसा अंगूठा लगावत रही। चुप जातन, हम तो देहातन रहे, तू बड़ा साहब आया। नाराज हो गई? देख देख कितना बढ़िया फोटो आया है, कितने जल्दी मिल गया देख। अरे फोटो तो बढ़िया है, पर जानत ही का पैसा लगा थे? नहीं, ई बाजार का मंडी तो बड़ा महंगा है, और गौतम साथ रहे तो बस फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश। एक बेटा बहुत महंगा लागत, अभी तो दूसरा आने वाला है। बच्चे के सामने तो शर्म कर। बेटा गौतम ये बात बताओ, त्वार के दूसरा भाई चाहिए? हाँ हाँ, तुम ला दोगे बाजार से? अरे बाजार से काहे रे, हम तो घर में बना देंगे, काहे शर्मा गई। कृष्ण भैया, राजा के आदमी लोग हमारे नाच को आग लगाने आए हैं। गंगा तू गौतम को लेके भागी जा। नहीं मैं तो क्या अकेला छोड़ के मैं जाए। तो हमारी कसम भाग जा। सूरज की कड़कती धूप मां पसीना भाई भाई के ना जुगाए सरकार, उमें आग लगाओगे उई में भून दिए जाओगे। यही छुप कर बैठे रहे, कहीं जाना नहीं। Thank you.
राम कसम, शिव कसम, श्याम कसम, ब्रह्मा कसम, हनुमान कसम। अरे चुप, हराम खोर, राम कसम, साम कसम, अरे जमराज कसम खाओ, ज्यादा भ्रमण किए सरो तो वही भगवान के पास भेज दियो। गोविंदा, ए ए गोविंदा, देख बोलती हूँ छोड़ दे मामा को, छोड़ 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 राम दादी। अरे तू चुप रह कलमुई। अरे कलमुआ तू, तेरा बाप कलमुआ, हरामी हमारे घर में जकंदी डालने आया है। ठहर, गंगा माँ को जाके बोलूंगी तो फिर देखना। का हमका माँ से कहेगी? हाँ, अरे कलमुई, बाप का नाम लिया तो दोनों हाथ तोड़ के रख दू, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। हट रे चोटे, इन चूड़ियों पे मत जाना, ये हाथ अब भी तेरे जैसे चार मुस्टंडों को संभाल सकते। अरे का बात है रे ससुरी, हमका बता दे सच सच, वो हार कहाँ है बोल। मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगा, बोल क्या बोलता है। ठहर तो। देख गुलाब, औरत जात से लड़ना गोविंदा का सान नहीं है, चुपचाप वो हार हमका दे दे। तेरे में दम है तो ले, देखती हूँ। आराम खोर, करम जली, दम का बात कर रहे थे। अरे मामा कितना लटकाए थे हम तो। अरे चल चल, तेरे जैसे बहुत देखे। अरे तो ये भी देख ले, करम जली, हमका उहार दे दे, हमका हार दे दे गुलाबो। कितना खूबसूरत लग रहा है रे, आना पहले गले में फिर हार भी ले लेना। जाता कहाँ है रे, गुलाबो को भी साथ ले जाना, मामा के सारे हाथ तेरे हो जाएंगे। अरे बेशरम, बेहया करम जली, मुझे उसी नहीं छोड़ती। अच्छा बाबा, ये ले, तेरे प्यार की खातिर हार वापस दे दिया, लेकिन एक शर्त है। अरे ये हार का कोनो शर्त नहीं है। ए गोविंदा, अरे वो हार मत लेके जाना गोविंदा, मैं राजा साहब को बता दूंगा। अरे भार में गवा तू, और भार में गवा तो हार राजा साहब। हट। अरे गोविंदा, मुझे नीचे तो उतार के जा। दरोगा बाबू, मैं तुम्हें लाला के घर चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ गोविंदा। ऐ देखो। अरे अपन जान का फिक्र करो दरोगा बाबू, दो दिन का मेहमान हो, नन्ही सी जान हो, जाके चौकी संभालो, चौकी अपन। ये नन्ही सी जान तुम जैसे राक्षसों को कैसे संभालती है, यही तो मुझे पूरे गांव को समझाना है। तमंचा। हे, अरे दरोगा का बच्चा, बंदूक का निशाना दिखाए के हमका जेल में डाला था। अरे काहे को अपन मौत बुलावत है रे ससुरा? अब देखता हूँ कौन आता है तेरा हिमायती। तो 10-50 बार सब किया मैंने, बुला अपने हरामजादों को, एक एक को ठीक नहीं किया तो। दरोगा साहब, हमारे बेटे को छोड़ दो, हमारे बेटे को छोड़ दो। दरोगा साहब, दरोगा साहब, इन गोविंदा की बात तो हर आगे फरियाद कर रहे थे। मुझे किसी की फरियाद नहीं सुननी, आप लोगों ने मेरा सब देखा है, गुस्सा नहीं, चली जा रहा से माई। दरोगा साहब नहीं, ऐसा कठोर ना बनो, अपना मां समझ लो, हमारी बिनती मान लो। मेरी कोई माँ नहीं, कोई भाई नहीं, इस गाँव में सबके सब जहरीले सांप है, जंगली। बेटे को छोड़ दो, हमारे गोविंदा को छोड़ दो। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। हमारे बेटा हम कर दे, हमारे बेटा हम कर दे, हमारे बेटा हम कर दे। बेटा गौतम! नालायक कमीने, अपन माँ के ई दिन दिखावे के रहे, ई दिन दिखावे के रहे। दूसरों के सुख के लिए अगर खुद को दुख पहुँचे तो उसका आनंद भगवान की पूजा से भी बढ़कर है। तुम्हारी माँ ने इतने वर्ष सब्र और दुख से काटे हैं किसी उम्मीद पर, और अब वो उम्मीद तुम हो। इस गांव की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा करना अब तुम्हारा पहला फर्ज है। गौतम, वक्त आने पर मैं खुद आऊंगा और तुम्हें तुम्हारी माँ और भाई से मिलाऊंगा। जानता हूँ तुम्हारा ये इम्तिहान मुश्किल है, पर मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। तुम्हारा फादर रॉबिन्सन। काम समझने के गंगा का बहादुर बेटा गोविंदा हमेशा के लिए बुजदिल हो गया है। बुजदिली गोविंदा का वास्ते मौत है राजा साहेब, हमका तनिक मोहलत और दे दो, ई काम गोविंदा खुद करेगा।
और ई बारों के इंसान लोगन से नहीं राजा साहेब जानवरन से मरवा दिए। लेटे रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, आप जैसन बड़ा साहब, हम गरीब लोगन का पैर छुवे ये ठीक नहीं बेटा। बेटा कहकर माँ के पांव छूने का अधिकार तो ना छीनिए माँ जी। संध्या तो हर बड़ाई ठीक ही करत रहे। आए राम, कौन बात है तुहार? बस कुछ नहीं माँ जी, वो यूं ही एक जख्मी जानवर छू गया था। ये गाँव वाले तो ही बड़ाई सताए है, यहाँ के लोग ठीक नहीं बाबू। सब ठीक हो जाएगा माँ जी, उनकी बुराई दूर करने के लिए गंगा जैसी माँ भी तो है। अरे बेटा, तो हर जैसे विचार वाले दरोगा साहब आ गई तो कुल ठीक ही हो जाए। अरे हाँ, का नाम बताए तोहार? गौतम। गौतम? गोविंदा के बड़े भाई का नाम भी गौतम रहे। वो फोटो देखा था वा? वो है हमार गौतम। जब गोविंदा हमार पेट में रहे तो गौतम हमसे बिछड़ गवा। आज वो हमारे पास हो तो खूब बढ़िया जोड़ी जमती, गौतम गोविंदा की। हाँ, गौतम गोविंदा का खूब बढ़िया जोड़ी जमी। जमाई लो, जमाई लो, खूब कमाई है। अरे अब ये रंधक दिखाओ था हमका, दुश्मन का बुलावा तो बैठ आओ तो। अरे अब देरी कोना बात का है, चाय पानी पिलाओ सरों के, पुलिस वालन के गोदी में बैठा लो। ए गोविंदा, बहुत जबान चलावत है, बुरा मत मानना बेटा, ये जबान का खराब है। बहुत खराब है, जबान का कहा है, सब चीज का खराब है हम। अरे दरोगा बाबू, ऐसा कर रखल है साहब, अपन थाना में जाओ, चोर डाकू लोगन का संभालो, हमार घर द्वार का सुख शांति काहे को बर्बाद करे पतुल हो तुम। देखो बाबू, दुश्मनी का कोनो बात होवे, दुश्मनी निकाले का होवे तो हमसे बाहर मिल लियो। कहा बाहर मिल लियो हमसे। गोविंदा। हाँ हाँ गोविंदा, बोलो कहा करेगा हो, झगड़े का हो, बोलो। हमने खुद इतने बढ़ ले। देखो दरोगा बाबू, तुमका इधर आवेगा कोनो जरूरत नहीं है, समझे हो? ये हमार घर हो और ये हमार माँ हो, बुझो। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी माँ है। बस थोड़ी सी हल्दी लगने दो, फिर देखो ये जख्म कितनी जल्दी भर जाता है। गोपाला, जो जख्म मेरे दिल में है ना जाने वो कब भरेगा। अरे वो जख्म कभी नहीं भरेगा, जो दूसरों को जख्म देता है भगवान उसे सजा नहीं देगा क्या? गोपाला, इस लड़की से कह दो कि इससे मैं कोई बात नहीं करना चाहता,
अच्छा तो अब इस लड़की का नाम भी नहीं लिया जाता। गोपाला कह दे इस लड़की को मैं सिर्फ मलम देने आई थी। सरकारी भाई ये तो मलम लगाने आई है। लगाएगा कौन, मैं सिर्फ देने आई थी। देने आई है, मुझे किसी की मलम की जरूरत नहीं। इन्हें मलम की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं तो नहीं। अरे हल्दी और प्याज से कब तक जख्म भरेगा। और मैं एक बात कह देती हूँ, गोविंदा जैसे जानवर से दुश्मनी लेने की कोई जरूरत नहीं। कह दे इसे। बोला सरकारी भाई। गोपाला इसे कह दे मुझे किसी की सलाह की भी जरूरत नहीं। संदो बहन। लो इसमें सलाह की क्या बात है। अरे मैं तो अक्कल की बात करूँ, अक्कल की। ये शहर नहीं गांव है, गांव, और वो भी जानवर से भरा। अरे कह दे इसे अपनी गीता और समाज सुधार को एक थैली में लपेट कर शहर भेज दे तो ही अच्छा है। मैं तो इसके अच्छे के लिए बोलती हूँ, वरना मैं बोलती हूँ क्या? आज तक बोला है क्या? और मुझे बोलने की जरूरत भी क्या है? अरे तू ही बोला गोपाला। अरे बोला सरकारी भाई। मुझे किसी की हमदर्दी की भी जरूरत नहीं। बोल इसे। संदो बहन। हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। अरे हम होते कौन है? इसे तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो इसे गाली दे, नफरत करे, बैल के नीचे मारने की कोशिश करे, वही लोग अच्छे लगते हैं ना? पूछना, पूछ इसे। सरकारी भाई, संदो बहन, संदो बहन, सरकारी भाई, मुझे किसी से कुछ पूछना वूछना नहीं, मैं चलता हूँ। गोपाल उस पागल से कह दे कि मेरा दिमाग ना चाटे। क्या कहा, पागल? हाँ हाँ मैं तो पागल हूँ जो सारा गाँव ढूंढ कर मालूम लेके आई हूँ। ठीक ही तो कहते हैं लाला, इस गाँव में किसी का भला करना श्राप है श्राप। मैं दिमाग चाटती हूँ, मैं पागल हूँ। अरे आज के बाद अगर इस गली से गुजरी तो संदो मेरा नाम नहीं, समझा क्या? कमाल है यार, ये तो जबरदस्ती का झगड़ा हो गया। गोपाला झगड़ा तो वही करते हैं जो प्यार करते हैं। ये मलहम मेरे जख्म के लिए नहीं, मेरे दिल के लिए। अरे बाहर में जाए तेरा दिल, मुझे किसी के दिल की जरूरत नहीं, समझा? मुझे किसी मलहम की जरूरत नहीं। सरकारी भाई उठो। सरकारी भाई चोरी हो गई, चोरी। चोरी? हाँ चोरों के इस गांव में भी चोरी हो गई। वो देखो सब लड़कियां रपट लिखाने आई। दारोगा साहब, दारोगा साहब गजब हो गया, पुरानी हवेली में आज चोरी हो गई। हाँ, हाँ, चोरी हो गई। पुरानी हवेली में चोर का कुछ पता चला? शायद वो उसी घर में छुपा होगा। अब जल्दी कीजिए ना, जल्दी कीजिए। जल्दी करो सरकारी भाई, इस पुलिस चौकी में पहली बार कोई रपट लिखाने आया है, इज्जत का सवाल है। चलो मेरे साथ। पता नहीं क्या क्या चोरी हो गया, जल्दी कीजिए ना। सुन लिया, चोरी हुई है, कोई याद तो नहीं लगी? कहाँ है घर? ये रहा। ना बाबा, हमें तो डर लगता है, आप ही चाहिए। कोई बात नहीं, चाहिए ना। Thank you.
नहीं रोक सकत है, भगवानो नहीं रोक सकत है हमका। ई गोविंदा, हम कहते दरवाजा खोल दे तो के हमार कसम। अरे काहे का कसम, कोना कसम, उ दू कौड़ी के दरोगा के जाके चाय पानी पी के हमका भुलाई गवा, अपना बेटा का भुलाई गवा। सुन ले, आज से तू हमार माई नहीं, ये हमारे घर नहीं, और हम आज के बाद ही घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अरे माँ को छोड़कर अकेला कहाँ जाइबे बिटवा, हमार बिटवा तो ऐसा कठोर नहीं। कठोर है, है आज के बाद हमेशा है। अब जाऊ हराम खोर दरोगा के पास बैठ के खूब चाय पानी पी के बतियाओ, खूब बतियाओ, हमका दुख नहीं होगा, नहीं होगा दुख हमका। तो फिर माँ को छोड़त रोवत काहे को है? हम कहाँ रोते, हम नहीं रोते। अरे वो शीशा बतावत है। अरे हरामी है, एजा तमाशा होत है का रे? देख गोविंदा, दुनिया को तमाशा मत दिखा, तू हमार गुस्सा जानत है। हाँ जानत है, जानत है, हमका उसे कोनो परवाह नहीं है। अब हम राजा साहब के महल में रह जाते हैं, उहे रहेंगे। राजा साहब, जा कल मुँह है जाकर राजा साहब की गुलामी कर, तू तो हमेशा माँ का कलेजा छल्ली करत है। मगर एक बात याद रख, तो हर बिना माँ उजड़ न जाए, जा जाकर मर। हम जात हैं, जात हैं हम, और इतना बता जाते हैं कि गोविंदा के बिना रोना नहीं। ना रोइबे, कभू ना रोइबे। हाँ ना रोइबे, कभू ना रोइबे, हाइये काहे के रोइबे। अरे वो नया शहरी बेटा जोन मिल गवा तो के है? अरे इतना गोविंदा तो कसम दे के जाते कि गोविंदा कभी बुलवाना नहीं, ये गोविंदा कसम है, समझो, जात है। हमेशा के लिए जात है। हाँ बेटवा, हम तो हर पे काहे रोए, अरे हम तो हमारे भाग पे रोवत हैं। नर चला राजा साहेब, तो हाँ नहीं हमार जिंदगी बर्बाद कर दिया है, वो चमक को कौन खरीद सकत है? और आज राजा धुरेंद्र सिंह खरीद चुका है गंगा को, गंगा के बेटे गोविंदा को, पूरे गांव को। अरे कौन माई का लाल गंगा को खरीद सकता है राजा साहेब? हमार मन में जो दुख, जो नाग लगी है ना, वो का शांति रहने दो, वही मैं सबका भला है, वही मैं सबका भला है। और यही आग को लेकर तुम हमारे पांव पड़ रही हो? अरे तोहरे पांव है ही कहां राजा साहेब, याद है ना एक बार तूने गंगा को छूने का जतन किया था, देख लिया ना अपने करने का फल। आज तू सबका राजा होकर भी तू अपने पांव पे खड़ा तक नहीं हो सका। गंगा, गंगा तो आज भी तोहरे से अधिक शक्तिशाली है राजा साहेब। गंगा जब बिफरत है ना तो वो अपना रास्ता आप ही बना लेते, चट्टान को चकना चूर कर देते, राजपाट उलट पुलट कर देते। तो तू का है, अब तो हर खेल बिगड़ चुके हैं राजा साहेब, रियासतें टूट चुकी है, राजपाट मिट्टी में मिल चुके हैं। अब तमाशा देख, हे गोविंदा तो क्या, मैं सारे गांव को तोहरे चुगल से आजाद कराऊंगी। तू तो हमारे हरे भरे खेत को उजाड़ दी है ना, ये गंगा, ये मैं फिर से एक बार हरियाली लाई। हरियाली किनसे? जो खुद पीले हो चुके हैं, जिनका लहू पानी बन चुका है। तुम एक बात भूल गई गंगा, उन बुजदिलों के सरदार गोविंदा की हैसियत हमारी मुट्ठी में बंद माचिस के अंदर एक छोटी सी तीली के समान है। यही बात तो हम हो कहत है राजा साहेब, जौन दिन गोविंदा जैसन छोटी सी तीली ये माचिस से निकलकर भड़क उठी ना, तो वही माचिस की तीली तो हर सारा राजमहल जलाकर राख कर गई। मेरे बच्चों, राजा की गुलामी करत करत तुम लोग ये भी भूल गए कि माँ की आंख की ओर नहीं, उसके चरणों की ओर देखा जाता है। पंडित जी महाराज, क्या ये लोग पत्थरों से टकराएंगे, अपना खून बहाएंगे? तो ये ज्ञान इन्हें दे दिया जाए। ताओ अपने पुरखों का फावड़ा और दे अपनी जमीन को नई जिंदगी। जिंदगी तो हर बच्चन की जिंदगी है,
तुम्हारे माँ बाप का सपना है। गंगा बहन, जब तुम्हारा अपना बेटा ही तुम्हारा साथ छोड़ गया तो हम गांव वाले तुम्हारा क्या साथ देंगे? गंगा माँ, तुम अपनी धरती को हरा भरा करना चाहती हो ना, राजा उसे लाल कर देगा। शाबाश शाबाश मेरे लाल, तुम लोग राजा के गुलामी बनते रहोगे। लेकिन एक बात सुन लो, हमारा बेटवा हमें छोड़ गवा है ना, तो तुम लोग भी मुझे छोड़ दो। ये गंगा किसी का साथ नहीं मांगेगी, किसी से भीख नहीं मांगेगी। मैं अकेली पत्थरों से टकराऊंगी, अकेली अपनी जमीन की खेती करूंगी, अकेली। गोविंदा के बापू, हमका सब छोड़ गए, सब छोड़ गए। हमार गोविंदा भी हमका छोड़ गए। माँ, दरोगा बापू, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सामने। बिल्कुल अकेले हो गए, तुम्हारे अकेले की हिम्मत यहाँ के हजारों से बड़ी है माँ, और फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरोगा बाबू, तुम जब हमका माँ कहते हैं ना, तो हमारा दिल चीर चीर हो जाते हैं, हमारी हिम्मत हमारी शक्ति 50 गुना बढ़ जाते हैं। कौन जाने तुहर में ऐसी कौन सी बात है। शक्ति बढ़ जात है, ओ के साथ शक्ति बढ़ जात है और हमरा साथ घट जात है। बढ़ाए लो शक्ति, बढ़ाए लो शक्ति। दुश्मन के प्यार करत है, दुश्मन के प्यार करत है। अरे अपना बिटवा मर गवा का, अरे दुश्मन का प्यार करे को तोरा से। गोविंदा का गोविंदा गोविंदा करत है। चुप, बेशरम बच्चा, तू हमार बिटवा होकर भी हमका छोड़ गवा, और ये पराये होकर भी हमारा साथ देते। हाँ हाँ हाँ, हम छोड़ के चला गवा तो तू कौन सा हमका ढूंढन के लिए आई मैया, तू कौन सा हमका ढूंढन के लिए आई। देख मैया, हम तो के सच्ची कह देते हैं, जो ना तू हमार दिल दुखाएगी, जो ना तू हमार दिल दुखाएगी तो हम अपन जान दे देंगे मैया, हम आत्महत्या कर लेंगे। हम तो के कही देते हैं, हम ना ही जी सकते मैया, हम ना ही जी सकते। गोविंदा, ए गोविंदा, तू का गलत समझत है, तू का गलत समझत है। वो तो समझ, अरे वो तो चल गवा। देख गोविंदा, सारा काम हमारे साथ छोड़ गवा। इधरों का बाबू हमारा आंसू पोछन आए, और तू का दुश्मन समझत है, तू का दुश्मन समझत है, जो तुम्हारे बापू का सपना पूरा करना चाहते, गरीबन को अपना अधिकार दिलाना चाहते, तू का दुश्मन समझे थे, जो अपना जान जोखिम में डालकर तो हर मां को बैलों से बचाया। गोविंदा, तू हमका बहुत प्यार करता है ना, तो दरोगा बाबू से माफी मांग, तू का माफी मांग गोविंदा, तो क्या हमार कसम। बहुत बड़का गुरु निकलो तुम, पटा लियो ना हमार भैया को। गोविंदा, मैं चाहता हूं कि एक ही लफज में बोलो, का चाहे तुमका? तुम्हारी खुशी, तुम्हारे गांव वालों की खुशी, राजा से उनकी आजादी। आजादी बतिया बनावे मां बहुत चतुर हो तुम दरोगा बाबू। लेकिन एक बात कही देते, जब हम अपना माई की नजर से तुमका देखा था, तब तुम आदमी ठीक है ठाक लगे हो। एक बार अपने दिल से अपनी आत्मा की नजर से भी देखो गोविंदा। ए, तहर माई हो? नहीं। बहिन? नहीं। अरे कोनो भाई हो? है। का नाम होगा? गोविंदा। अरे दूर, यही चतुराई से तो तुम हमका जीत लियो। ई बात सुनकर ससुरा दिल चीर जात है,
जान देवे को मन कर उठा था। अरे ये गांव में हमका आज तक कोनो ने भाई नहीं कहा, कोनो ने भाई नहीं कहा। अरे तुम तो हमका रुलाए दियो रे। मैं तुम्हें रुलाने नहीं, जगाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सभी साथियों के साथ पुलिस में भर्ती हो जाओ और इस गांव में हर बुराई को खत्म कर डालो। हम पुलिस में भर्ती? अरे अरे, चोर भी कभी पुलिस बन सकता है क्या? दरोगा बाबू काहे मजाक कर रहे थे बच्चन की तरह? राजा ने तुम्हें चोर बनाया, तुम बन गए। मैं तुम्हें सिपाही बनाना चाहता हूं, क्या तुम नहीं बनोगे मेरे भाई? फिर भाई। अरे मगर हम कहीं ई ससुरी बंदूक संदूक चलावे आवत नहीं। हाँ, पुलिस कैसे बन सकते? मैं तुम्हें बंदूक चलाना सिखाऊंगा। एक बात याद रखो गोविंदा, जो लोग बंदूक गरीब मासूमों को खत्म करने के लिए चलाते हैं वो डाकू कहलाते हैं, और जो उनकी रक्षा के लिए बंदूक चलाते हैं वो सिपाही कहते हैं। अब तुम चलो। वैसे ही नहीं, कंधे पे लगा। हाँ, एक आंख बंद करो। शाबाश, नो, चलो निशाना लगाओ। शाबाश, एक दो तीन चार। अरे चोर को सिपाही बनाओगे तो ऐसा ही होगा। हे मुझो सी, अरे जानवरन के माफी हसत का है रे? अरे गलतियां तो आदमी से होता है ना। अरे बेवकूफ का माफी तू लोग काहे हसत रहे? अरे आजा ठीक ही तो हो रहा है। चलो चलो। अब देखो दरोगा बाबू हमार निशाना। ऐसे नहीं, ऐसे कंधे पे लगाओ, आंख बंद करो, निशान लगाओ। शाबाश, दबा। देखो ये बंदूक में आवाज बहुत है। हम थक गवा, बाकी काम कल करेंगे। नहीं गोविंदा, कल का काम आज, क्योंकि जल्दी से जल्दी तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस चौकी का काम संभालना है। ये इस अफसर का हुक्म है। अफसर का हुक्म है? हाँ सुना तुम लोगों ने, ई तहार अफसर का हुक्म है। हाँ हाँ, आप चलो, हम संभाल लेते हैं। माँ जी, मैं शहर जा रहा हूँ, आज अदालत की तारीख। अदालत? हाँ, गिरवी रखी जमीनों के लिए राजा के खिलाफ मैंने अर्जी दी थी, आज उसी की सुनवाई। बेटा तू इस गांव का जीते रहो। संध्या, माँ जी का ख्याल रखना। माँ का ख्याल तो मैं रख लूंगी, लेकिन मेरा ख्याल कौन रखेगा? हम समझ गए बेटवा, जो ढंग से बात कर रहा था ना उनका मतलब हम समझ गए। जाओ बेटा जाओ। बाया दाया दाया बाया दाया, बोलो बाया बाया, बोलो ठप। कामालन, हमारी बात सुन लो। का सुन लो, आज के बाद ई गांव मा कोनो चोरी चमाटी झगड़ा फसाद दंगा खून खराबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम खून खराबा कर देंगे। नाना, पुलिस हवालात में बंद कर दे। हाँ वही मतबल हुआ ने जी, पुलिस हवालात में बंद करके डंडा के जोर से मार मार के उस सरों का सारा गुंडागर्दी भुलाई दी है। क्या भुलाई दी है? गुंडागर्दी। कौन सुसरी पुलिस? जरा हंडी तो देखे। आए ठहरा कीजिए, ठहरा कीजिए, ठहरा कीजिए। अरे हे सूरदास का औलाद, तो के सुनाई नहीं पड़ा था हम कहाँ कहाँ थे, हम कहाँ ठहरा करने को कहा गया? गया हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे। अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के, राजा की तरह रहेंगे यानी अब हम तहार पर जा की तरह रहिए। गोविंदा? अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप। हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे। हाँ ऐसा कहा? हाँ दे दीजिए। अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ गोविंदा, और हम तो के हुकुम देते हैं ई दारू का अड्डा बंद कर दे। मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई मगर रात को ये धंधा बंद। खड़ा करो, बंद। हम कह दिया सो कह दिया, अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
लेकिन गोविंदा नहीं 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 हवालदार नहीं 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 दरोगा साहब कल तो शिवरात्रि का दिन है। अब अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते का पिया जाते। जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए उसे बुझा देना ही शुभ नीति है। जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है। गोविंदा हो तेरा बिटवा जवान होई गवा, हो तेरा बिटवा जवान होई गवा, के माँ मेरी शादी कराई दे के माँ मेरी शादी कराई दे, हो तेरा बिटवा खराब होई गवा, के माँ मेरी शादी कराई दे के माँ मेरी शादी कराई दे, गाँव में मना दी कराई दे कराई दे, गाँव में मना दी कराई दे कराई दे। हजूर करे रानी किस बात पे तू गरूर करे रानी, दुनिया मुझे जी हजूर करे रानी किस बात पे तू गरूर करे रानी, ये ना हो तेरी किस्मत तुझे मेरी फरियादी बनाई दे बनाई दे, मेरी फरियादी बनाई दे, तेरा बिटवा जवान होई गवार के माए मेरी शादी कराई दे के माँ मेरी शादी कराई दे। Oh my।
अच्छा बाबा तेरी शादी करा दूंगी बस। गंगा मैया जैसी कौन होगी माँ, गंगा मैया जैसी कौन होगी सरकार। हम लोगों ने आज तनिक भान पिया है सरकार। हम लोगों ने सोचा कि त्योहार जरा धूमधाम से। ये धूमधाम तुम सबकी मौत का पैगाम है। सुना है तुमने अपनी सरकार बना ली है गौतम गोविंदा की। ई लोगों ने अपनी कोई सरकार नहीं बनाई। ई गरीब लोग ठीक से जीना सीखते हैं। राजा के दुश्मन बनकर। ई राजा के दुश्मन नहीं, राजा इन लोगों का दुश्मन है जो इन लोगों की सांसों पर अपना हक जमावत है। गांव वाले बड़े भोले हैं गंगा, मासूम है। राजा इन सबका दुश्मन है जो पिछले 25 बरस से इनको रोटियां खिलाता आया है, इन सबके हाथ मजबूत करता आया है। गांव वालों कह दो कि सब झूठ है और सच्चा है गोविंदा। जो आज तक अपनी भाषा नहीं सुधार सका तो ये तुम लोगों को क्या सुधारेगा। लेकिन याद रखो, मुझसे ज्यादा खतरनाक है ये नागिन जो अमृत के रूप में तुम्हें जहर पिला रही है। सरकार आप हमका जौन चाहे बोल दो, दरोगा बाबू का जौन चाहे बोल दो, मगर हमार माई के गाली नहीं दो सरकार, नहीं। तुम्हारी माँ इस जैसी चतुर और गंदा चरित्र रखने वाली औरत। राजा रुक जा गोविंदा। पागल हो गया गोविंदा, ये हमारे राजा साहब हैं। कौन सा राजा, कैसा राजा रे, कैसा राजा। सबर किया, बहुत सबर किया। ये रजवा का गुलामी करके हम अपन मैया को बहुत दुख दिया रे। अभी हराम ज्यादा राजा के मैया को बहुत दुख दिया रे। अभी हराम ज्यादा राजा के गोविंदा का हाथ दे गंदा। गंगा तू हट जा मैया, तू हट जा मैया, मैया हट जा। ए हमार मैया को मत मार, हमार मैया को मत मार। ए आराम जा। गंगा बहन, गौतम आया है।
तुम ये भूल गए इंस्पेक्टर गौतम कि राजा साहब के आदमियों के हाथों में लाठियां ही नहीं बंदूकें भी हैं। गरीब इंसानों के सब्र का इम्तिहान मत लो राजा, इन्हें इतना प्यासा मत मारो कि ये पानी के बजाय खुद का पसीना पीने लग जाएं। और ऐसा जब भी होता है तो तुम जैसे राजाओं का खून इन गरीबों के पसीने से सस्ता हो जाता है। राजा धुरेंद्र सिंह वो देखो। तुम्हारी जिंदगी का अगला पल इन सब के हाथों में है। शहर की अदालत ने आपके लिए संदेशा भेजा है। गोपाला, ये संदेशा सुना दिया जाए राजा साहब को। पुरानी सरकार, नई सरकार का फैसला यह है कि जिन किसानों की जमीन सिर्फ आपकी किताबों में सड़ रही हैं, उन्हें ये जमीनें हल चलाने के लिए वापस दे दी जाए। सरकार के इन कागजात के बारे में आपके क्या ख्याल है? सरकार वो जो आ जाए और छा जाए। गांव वालों की इच्छा ही राजा साहब की खुशी है। चलिए राजा साहब। गौतम गोविंद की जय। गौतम गोविंद की जय। मेरी समझ में ये बात नहीं आती सरकारी भाई कि बंबई में सरकार से इतना बड़ा इनाम पाने जा रहे हो और ये बात अभी तक तुमने किसी को नहीं बताई। गोपाला, मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं, वापस आकर सब बता दूंगा। सरकारी भाई, जीत तुम्हारी हुई और खुशी मुझे हुई। ये लो सिक्का, जीत की निशानी। गुड लक सरकारी भाई। नमस्ते छोटे राजा साहब जी, मुझे लाला कहते हैं। किसका साला? जी साला नहीं, लाला। राजा साहब, बड़ी आफत आन पड़ी। छोटे मायनों में हमें पूरा इतिहास मालूम। राजा साहब तो आजकल अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकले। हम ये भी जानते हैं। बड़े भाई साहब, एक बात नहीं समझते, अनपढ़ गंवारों और गरीबों को खरीदने के लिए शहरी नीति का इस्तेमाल करना पड़ता है। शहरी नीति? हाँ, अनपढ़ और गंवारों में फूट डलवा दो और गरीबों के नेता की गरीबी हटा दो। मतलब? मतलब तो साफ है, गौतम से हम निपटी लेंगे। छोटे मायनों में यही तो समझा रहा हूँ गोविंदा जी, कि राजा साहब का छोटा भाई हूँ, बंबई में रहता हूँ। समलग्र? आप नहीं समझेंगे, बदमाश हूँ, खतरनाक हूँ, शहरी डाकू हूँ। 20 बरस से आपने और आपकी माँ ने राजा साहब के और लाला जी के बहुत से कर्जे चुकाने हैं। हम चाहते हैं कि आप राजा साहब से मिलकर उनकी छत्र छाया में आराम से रहें। और तुम्हारी माँ का गिरवी रखा हुआ हार भी राजा साहब से वापस मिल जाएगा, हैं? हैं? हम नहीं समझे। समझदार तो है हमारा शहरी दोस्त गौतम, आया जमाया और दोनों तरफ से इनाम पाया, सरकार से भी और हमार से भी 2 लाख रुपया। 2 लाख? काहे का 2 लाख? इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देने का और बंबई में जाकर आराम से जिंदगी बसर करने का। अभी तो बंसी भी 5,000 रुपया लेकर जा रहा है। क्यों बंसी, तेरे सामने हमने दरोगा को 2 लाख रुपया दिया था ना। बंसी, हम तहार गला दबाई देंगे सरो, जो ना तू ये कहा कि सच हो, ये सच नहीं है रे। मैं क्या कहूं गोविंदा, सच तो सच्ची है ना। परेशान मत हो गोविंदा, वही कर जो सारी दुनिया करती है। ए, पैसे उठा और चल राजा साहब से माफी मांग ले, मामूली सी बात। अरे ओ लाला का औलाद, राम खोर, तू हमका खरीदेगा, गोविंदा का खरीदेगा। बंसे, तू भी चला जाए इन हराम जादन के साथ, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा भी हुआ ही कहां गोविंदा जी, छोटे मायनों में पहले हम माल लगाते। हाँ
गौतम फौरन गांव चले जाओ, पहले ही अपनी माँ का आशीर्वाद लो। फादर? हाँ, अब तुम अपनी माँ को माफ कर सकते हो। सरकारी भाई आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैं शर्त जीत गया, मैं शर्त जीत गया। मेरा सिक्का मुझे वापस दे दो। गोपाला, तुम हार गए सरकारी भाई। राजा ने पूरे गांव को आग में लपेट लिया, तुम्हारी पूरी कोशिश राख में मिल गई। मेरा सिक्का। गोपाला, ऐसा मत कहो गोपाला, ऐसा मत कहो। मुझे वापस ले जाओ। गौतम अभी हारा नहीं, गौतम अभी जिंदा है। गोपाला, गोपाला खून, गोपाला सत्यमेव जयते। गोपाला, गोपाला जीत गया। गोपाला जीत, गोपाला, गोपाला प्यार न सीखा नफरत करना सीख लिया। सब लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया। अरे प्यार न सीखा नफरत करना सीख लिया। सब लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया। मौसम बदले खत्म हो गया गौतम भैया, खत्म हो गया। माँ कहाँ, गोविंदा कहाँ? कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। गोविंदा माँ को लेके न जाने कहाँ चला गया। वो डाकू बनने की कोशिश कर रहा है भैया, वो डाकू बनने की कोशिश। गोविंदा, राजा के आदमी हमें पश्चिम की तरफ ढूंढ रहे हैं। सफेदा, तू ही लोगन के लेके ही रास्ता से निकल जा और राजा के अपन चक्कर में फंसाई के रख। हम जरा अपन मैया के देख के आते हैं। ठीक है गोविंदा, चलो। गोविंदा रुक जाओ। मेरी माँ कहाँ? बता। और दौर जा, हमार मैया का नाम लिया तो। हमार मैया का नाम लिया। गोविंदा,
राजा के आदमी दरोगा की तलाश में है। इस हरामी का खून करके क्या फायदा? इससे अच्छा था इसे राजा के यहाँ फेंक दो। ए सफेदा, एक ले जा यहाँ से, ले जा यहाँ से, ना तो खून हो जाइए का, फेंक देगा राजमहल में, फेंक देगा राजा के यहाँ। ये तूने क्या किया करम जले? दरोगा बाबू को मौत के मुंह में भेज दिया। चुप कर। नहीं गोविंदा, दरोगा रोक ले, दरोगा रोक ले, चुप कर। दरोगा जब हो जाए तो क्या हमारे कसम? कोनो कसम उसम नहीं, सब देख लिया गोविंदा, ये तोरे प्यार की वजह से हम सब उनका बर्बादी हुआ है, मर जाने दोगे? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं मैया, मार डाल अपना जान से मार डाल, लेकिन हम नहीं छोड़े मैया, नहीं मैया, नहीं ए मैया, ओके मर जाने दे मैया, ओके मर जाने दे, हमें दुनिया मार लगाएगा अपने मैया, भैया हम बहुत थक गए भैया, हम तो हाथ जोड़े थे, हम करना ही सकता। तुमने क्या किया गोविंदा, ये तुमने क्या किया है बेटा? भैया देख संधु, ये करम जलाल ने त्योहार होने वाले सुहाग को राजा के पास भेज दिया, वो गमौत के मुंह में ढकेल दिया। अपनी करनी का फल इसी दुनिया में मिलता है माँ, इसने मेरे होने वाले सुहाग को नहीं अपने भाई को, अपने सगे भाई को मौत के मुंह में भेजा है। गौतम तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना बेटा है माँ। माँ जी एक बात किसी बेटा कहिए ना, गोविंदा मैं तुम्हें डाकू बनते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। दुश्मन हो चुके हो ये, सही है? सही है। इस महल के बाहर अब तुम्हारी लाश ही जाएगी, ये भी सही है? सही है। और तुम हमारे साथ ये माफी का नाटक खेल रहे हो, ये भी सही है? सही है सरकार। तो फिर गलत क्या है? गलत ही तो है सरकार, बहुत गलती हो जब हमसे, ये आदमी, ये गद्दार, ये आदमी धोखेबाज हो सरकार। हमार जिंदगी, हमार आपका वफादारी प्रेम, ये गांव का बर्बादी का कारण ये आदमी हो सरकार। आप हमारी जान ले लो, लेकिन इस शिकार हमका दे दो सरकार, इस शिकार हमका दे दो सरकार, इस शिकार हमारा। वो क्यों? काहे कि का जान में हमार जान है सरकार। हम समझे नहीं। अरे बहुत बखत नहीं लगेगा सरकार, बहुत बखत नहीं लगेगा सरकार, हम आपका तनिक भी नमक खाया है, तनिक भी वफादारी किया है, तो ये मक्कार का शिकार हम का करे दो सरकार, उसके बाद आपका गोली हमारा सीधा, तनिक परवाह नहीं, तनिक भी परवाह नहीं सरकार, बस ये हमारा आखिरी तमन्ना।
तुम्हारी तमन्ना में हमारी कामयाबी है गोविंदा। राजा साहब। महापंडित, इस मौका तो हमार वफादार गोविंदा को ही मिलना चाहिए। साथ है राजा साहब, बड़ा अजीब खून है। कौन करम जलेगा खून है रे तू? तहार खून से तो बासाथ है। किसी अनपढ़ गवार का, कोई जिंदा जले हुए किसान का। बहुत गरम खून है ना तहार? तब हमार खून का गर्मी देखो। हमको बहुत धोखा दिया था, बहुत धोखा दिया हमका। तुमका भाई बोला था तो भाई का मजा देख, देख भाई का मजा। खबर मिली है कि गौतम और गोविंदा दोनों भाई हैं। गंगा, अपने आदमियों को लेकर महल के बड़े दरवाजे की ओर जाओ। उठ गौतम, गोविंदा आया है रे। उठ भाई। आपने इनके नाटक का अंदाज तो देखा, अब आप हमारे शिकार का अंदाज देखिए। इन दोनों भाइयों का अमर प्रेम देखकर हम अपना फैसला इनके हाथ में छोड़ते हैं कि पहली गोली किसके सीने पर चलाई जाए। दोनों सीने एक ही माँ और एक ही बाप के हैं धुरेंद्र सिंह, किसी पर भी चला दो गोली। ये गंगा माँ के बेटे हैं। धुरेंद्र सिंह, अगर तहार भी कोई माँ है और तू अपनी माँ का दूध पिया है तो हमार सीना माँ दाग गोली तो के धोखा हमने दिया है रे। नहीं गोविंदा, गोली पहले बड़े भाई पर चलेगी। देखा माँ पंडित, इन दोनों भाइयों को मौत से कितना प्यार हो गया है, लेकिन हम इनको ऐसे ही मरने दें क्या? नहीं, ए गौतम, ए गोविंदा, तुम लोगों ने लड़ाई का जो नाटक शुरू किया था ना, अब हम उसको जारी रखने की आज्ञा देते हैं। लेकिन अब की बार ये हकीकत की लड़ाई होगी। तुम दोनों भाइयों में से जो जीतेगा उसे मृत्यु दान मिलेगा और जो हारेगा उसे जीवन दान। क्यों महापंडित? सुंदर, अति सुंदर। ये युद्ध तो बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई को जिंदा रखने के लिए जीतने का पूरा प्रयत्न करेगा। राजा साहब, गांव वाले बगावत पे उतर आए हैं। भगेंद्र सिंह, गांव वाले चने अनाज की तरह भून दिए जाने चाहिए, और तब तक हम अपना ये खेल महल की छत पर खेलेंगे। दोनों भाइयों में युद्ध होगा, युद्ध। तुमने जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा, जीने का हक तुम्हें ही मिलना चाहिए मेरे भाई। तू दुनिया में बहुत कुछ देखा भाई, लेकिन मैया का प्यार ना ही देखा था। ए रे, ये जिंदगी का अधिकार तुमके है। भरत मिलाप का हो रहा है भाई, हमने तो लड़ाई का हुक्म दिया है।
चलाए थे दाग दे हमार सीना दाग। एक दो तीन बात मान जा रहे हार जा रहे भाई। नहीं तू हार जा रहा भाई, हमका मत सता। नहीं गोविंदा, तू हार जा। उतना नहीं गोविंदा। नहीं भाई, तू भी नहीं उतना भैया। ना कोई जीता और ना कोई हारा, तुम दोनों की किस्मत में एक साथ ही मरना लिखा है मेरे भाई। राजा धुरंधर सिंह, ये गोली हमार मर्द कृष्णा के लिए, ये हमार 20 बरस के आंसुओं का हिसाब, ये हमार गांव की बर्बादी का जवाब, और ये हमार बेटे, गौतम गोविंद के। कुछ बेटे अपना कर्तव्य समझते हैं और कुछ सिर्फ अधिकार। जानती है सित्या, गंगा बहन ने बहुत दुख उठाए। हाँ, लेकिन जीत भी तो आखिर की कुछ हिफाजत। जब अमीर गरीब का फासला बढ़ जाता है तो इस तरह के इनकलाब का पैदा होना लाजमी हो जाता है। जो दुख सहने की शक्ति रखते हैं भगवान उन्हीं को आगे सब सुख देता है। मुबारक हो गंगा बहन, आपको, गौतम को, गोविंदा को। लेकिन गोविंदा नजर नहीं आया। ठीक है मैया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम मैं जिंदगी भर तमाम उम्र हम छोटका बबुआ ही बनकर रहेंगे। हम जिंदगी भर कुंवारा ही रहेंगे। हाँ अरे चुप, तो के कोई कुंवारा रहने दे तब ना। जवान हुई गवाह, माँ किसकी शादी कराई दे।